जुड़ रहे हैं, तीन स्टॉक शरद जुड़ रहे हैं उन तीन स्टॉक्स को लेके जहां पे बाजार पे ज्यादा फोकस होना चाहिए और मूवमेंट हो सकता है। गुड मॉर्निंग शरद। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एसबीआई कार्ड्स फोकस में रहेगा और एक पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल जो है आरबीआई जो गाइडलाइंस लाई है नए कार्ड इश्यूएंस को लेकर, अब देखा जाए तो रेगुलेशंस को टाइटन किया गया है, उसके कारण जो फिनटेक प्लेयर्स हैं उनके लिए जो है ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो सकता है। पर क्रेडिट स्विस मानते हैं कि ये पॉजिटिव है एसबीआई कार्ड्स के लिए, हालांकि थोड़ी नेगेटिव रह सकती है आरबीआई के लिए जिनका उनका करार है बजाज फाइनेंस के साथ। और क्रेडिट स्विस ने जो है मेंटेन आउट परफॉर्म किया और टारगेट प्राइस भी 1100 रुपये प्रति शेयर दी है, तो ये स्टॉक को फोकस में रखेगा। बारबेक्यू नेशंस में भी फोकस रहेगा, यहाँ पे आशीष कचोलिया जी ने 2.5 लाख शेयर्स जो ट्रांसलेट करती है 0.6% इक्विटी एट 1163 रुपीज़ पर शेयर पे जो है एक्वायर किया है। ये जो डेटा है आपकी बल डील डेटा में आई है, और याद रखिए जो हमने रिसर्च की तो पता चला कि म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक बढ़ा दिया है ओवरऑल कंपनी में। अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर से ऑलमोस्ट 8.53% से बढ़ के 11.29% पे आ गया है, तो ज़रूर इस स्टॉक पे फोकस रखिएगा। और आगे आखिरी स्टॉक्स रहेगा अदानी ग्रुप के जो पावर सेक्टर स्टॉक्स है, फिर ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स है, तो ये जो स्टॉक्स फोकस में इसलिए है क्योंकि उनके जो चेयरपर्सन है गौतम अदानी जी हमारे जो टाइम्स नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक इन्क्लेव हुआ था, तो यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है स्पेशली फॉर द सोलर इंडस्ट्री की ऑलमोस्ट लास्ट डिकेड में सोलर प्राइसेस के जो पैनल प्राइसेस है वो लगभग 90% गिर गए हैं, और आगे जाते हुए जो है इनके प्राइसेस और गिरने वाले हैं और एक मार्जिनल कॉस्ट जो होने वाला है लगभग ज़ीरो होने वाला है। तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है आपके सोलर स्पेस के लिए आया है। बिल्कुल ये बात तो सही है, कल की कमेंट्री उनकी काबिले तारीफ है क्योंकि उन्होंने ये बताया बेसिकली कौन चार पांच बड़े प्लेयर जिस हिसाब से बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी रिन्यूएबल्स ग्रीन हाइड्रोजन की डायरेक्शन में, उससे इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बन सकता है, इतना बड़ा मार्केट खुल जाएगा आपको अंदाज़ा नहीं है। और इसीलिए शायद इससे रिलेटेड कुछ सेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी ये सब फैक्टर इन कर रहे हैं, कुछ अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं, कुछ JSW ग्रुप की कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी में जा रही है, रिलायंस ऑलरेडी चल रहा है, इनफैक्ट रिलायंस पर फोकस करते हैं।